Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you are doing well. Welcome back to another video. मुझे इस तरह आप सब लोग जानते ही हैं. Wait a minute, who are you? I'm Nipthair and welcome back to another video. अच्छा यार, पिछली वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि जो है जितना भी बजट जितना बनता है जितना खर्चा होता है ब्यूटी वरदान का एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी और आप जानना चाहते हैं तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, क्वेश्चन आया था मेरे पास कि यार प्राइवेट हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के आसपास के नहीं. ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और कितने दूर हैं. इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और उनमें जो है कितना जो है वो कॉस्ट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है हर बात का वन लाइन आंसर देता होता हूँ, तो इस वीडियो में भी जो है मैं वन लाइन आंसर दूंगा कि हाँ, बहुत सारे जो है प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और यूनिवर्सिटी के करीब हैं और वो भी कन्वीनियंट पड़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि यार कितने हॉस्टल्स हैं, कितने दूर हैं और जो है उनका क्या खर्चा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो एक हॉस्टल है, उसे हम कहते हैं हम नहीं कहते मतलब उसका नाम है खटक हॉस्टल. तो खटक हॉस्टल जो है ना वो यूनिवर्सिटी से तकरीबन आप जो है वो 5 मिनट की वॉक करें तो वो आ जाता है. ठीक है, एग्जैक्टली चारसदा चौक पर हमारी यूनिवर्सिटी है UET मतलब. और आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें, लोकेशन भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है उधर जाके तो आपको एक्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि यार UET मतदान से कितना. तो 5 मिनट की भी नहीं यार, 2 मिनट की वॉक करने आप तो इतना टाइम लगता है यूनिवर्सिटी से हटा हॉस्टल. इसके अलावा जो है हॉस्टल्स जो है वो कुछ मालाकंड चौक में भी हैं और कुछ जो है वो फॉली चौक में भी है. तो ये भी आप जाके जो है गूगल पे देख सकते हैं कि कितना जो है ना डिस्टेंस है. मालाकंड चौक तक भी पहले ज़्यादा करीब सबसे चारसदा जो है 5 मिनट्स लगते हैं, फिर उसके बाद मालाकंड चौक आता है 10 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम. और उसके बाद जो है फिर आगे जाके कॉलेज चौक थोड़ा दूर है. ये है कि अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो फिर तो ईजी है, फिर मसला नहीं. लेकिन अगर जो है लोकल आना पड़ेगा या पैदल भी, हम तो वैसे वॉक करते करते पैदल जाते होते हैं यूनिवर्सिटी से चलना स्टार्ट करते हैं, तो जो है वो कॉलेज चौक जो है हमारा अक्सर हम उधर जाते रहते हैं खाने पीने की. बाकी यार इसके अलावा असल बात करते हैं कि यार कितना पैसा लेगा आपसे. तो यार मुल्क के हालात जैसे जा रहे हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी जो है मतदान हैज़ अ रियली कन्वीनियंट सिटी इफ़ यू कंसिडर द बजट, तो इतना ज़्यादा जो है आपका खर्चा नहीं होता है अगर आप कंपेयर करें दूसरे सिटीज़ के साथ. और आजकल मैं खुद रावलपिंडी में हूँ तो आई एम सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स स्पेशली द फ्रूट. तो आई विल से कि यार फूड इज़ लाइक रियली लेस एक्सपेंसिव देयर. एग्जैक्टली जो रिसेंट जो है जो हॉस्टल भी पर मंथ जो आपको रेंट देना पड़ेगा अपने रूम का, ठीक है, तो रूम में ये है कि 3 से 4 लोग या 2 लोग कम से कम इन्हें होता है. हाँ, अगर आपको थोड़ा सा मतलब एलीट काम करना है कि सिर्फ आप ही हो रूम में, तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि 3 बंदों का इतना होता है तो एक बंदे वाला रूम कितने का मिलेगा. लेकिन ज़्यादा तो हॉस्टल में यही प्रेफर्ड भी होता है और यही जो है वो होता भी है कि 2-3 लोग होते हैं. तो इस टाइम हॉस्टल कॉस्ट कर रहे हैं 3,000 to 4,000 के दरमियान. ठीक है, आज जो भी तारीख है क्या है 22 जुलाई तक जो है ये मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यार कितना ऊपर नीचे होगा, 500 या 700 इतना ही फ़र्क आएगा. पिछले 1 महीने में जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे तो इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि इतना ही जो है वो हमें कॉस्ट करता है. और अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँगा तो 3,500 रुपीज़ वो लेते हैं पर मंथ. ठीक है, तो 3,500 रुपीज़ पर मंथ जो है आप माइंड में ज़रूर रखिए. इसके अलावा ये कि अब हम बात करते हैं खाने पीने की कि खाना पीना कितना कॉस्ट करते हैं. तो मरदान वो ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था यार पिछली वीडियो में, आप जो है स्किप करके जो खाने वाला पार्ट है उधर से जाके देख सकते हैं कितना कॉस्ट करता है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँगा नहीं, इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा. तो यार ये मैंने उस वीडियो में यही बोला था, इस वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा, बार बार कहता रहूँगा ये कि यार ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो. ठीक है, लेकिन मैं ऑप्टिमल बताऊँगा कि भाई इतना तो होगा ही होगा. तो अगर आप कंसिडर करेंगे 500 रुपीज़ आप पर डे लगा रहे खाना पीना
प्लस पॉकेट मनी प्लस स्नैक्स, इतने में हो सकता है। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि इतने में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह हो सकता है कि दो तीन दोस्त आप मिलकर खाना खा लेते हैं, ये नहीं कि आप अकेले बैठे हुए जी पूरी कढ़ाई खा रहे हैं, फिर नहीं होना। सेकेंड ये कि अगर जो है आप कर रहे हैं इतने में, तो ये हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमल है कि 500 में हो जाता है इफ़ यू वॉन्ट। तो 500 के हिसाब से अगर आप देखें तो 5000 इन 10 डेज और 15000 अर्थात, तो तकरीबन अंदर और बाहर का खर्चा फिर बनता है बराबर। कि यहाँ भी जो है वो कुल मिला के जो है वो 18-19000 को टच कर रहा है। और अंदर अगर आप रहेंगे तो वो भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हाँ वो है कि आपको जो है उधर मंथली रेंट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सिगरेट चर्च शराब नहीं पीते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपका खर्चा जो है इतना ही होगा। अगर आप वो काम भी करते हैं तो फिर तो यार मुश्किल ही है। सिगरेट की डब्बी आज कल मैंने सुना है काफ़ी महंगी हो चुकी है, तो आप वो अपना हिसाब खुद कर लें वो, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना वो कॉस्ट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो इसमें जो है तो 4-5 हज़ार रुपये तकरीबन और आप ऐड कर लें तो 25-30 हज़ार रुपये तक आपका खर्चा पहुँच जाएगा। इसके अलावा यार अगर आपके किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, आई विल मेक वीडियो फॉर शॉर्ट, और मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर करूँ। स्पेशली मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूटी मतदान से रिलेटेड कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई विल गिव यू लाइक ऑनेस्ट सजेशन कि यू शुड कम टू यूटी मतदान और यू शुड इवन कम टू मतदान और नॉट। सो फॉर दैट वीडियो स्टे कनेक्टेड और हंसते मुस्कुराते रहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।